आप सब लोग और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल आर्यस ब्लॉग्स में। और देखिए सुबह सुबह हम लोग चाय नाश्ता कर लिया और रेडी हो गए सज सवर के सबको ही मिलके। और ये आदमी को पहली बार लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए, इतने दिन तक इसका छुट्टी नहीं था इनका, अभी इनका छुट्टी हुआ तो इनको पहली बार लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए। अरे मेरे क्यों लेके जा रहा हूँ, मैं घर में पड़ा रहूंगा, चलो मेरे को। और वो छोटा 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 भी आज पहली बार ही जा रहा है। हम मैं और भतीजा ही जा रहे थे इतने दिन तक घूमने के लिए, तो बस अभी चल रहे हैं बाहर और कराती हूँ आप लोगों की मुंबई की सैर। मुंबई के सैर चलिए चलिए मिलते हैं फिर रोड में। और ये देखो निकलने से पहले चिल्ला चिल्ली कर रहा है, ये देखो ये बड़ा वाला सबसे ज्यादा चिल्लाता है, इनके गल की आवाज ज्यादा। हां आधुरी बुधुरी सब बैठ को पीछे सब कौन लगा तो बैठ कर अम्मा। ये सब तैयार हो गए हैं और निकल गए हैं। सबसे पहले वो निकलेंगे लास्ट में, सबसे पहले मैं निकली हूं, लास्ट में वो निकलेंगे। और ये हमारा लिफ्ट आ गया है और चल रहे हम लिफ्ट में, इन सबको छोड़ के तो ये हम आ गए हैं हमारे स्टेशन खारघर रेलवे स्टेशन नवी मुंबई का, जहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे मुंबई तक। तो ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, यहाँ बहुत एकदम फास्ट फास्ट ट्रेन चलता है, दो मिनट तीन मिनट बाद बाद लोकल ट्रेन अवेलेबल है, तो बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। कहीं भी जाइए आप आराम से, मुंबई में लोकल ट्रेन की बहुत ज़्यादा सुविधा है कहीं पर भी। और रोड ट्रैफिक जाम में भी फंसना नहीं पड़ता, ट्रेन आराम से चला जाता है। रोड में जाइए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, ट्रेन का रूट बहुत इजी है, कहीं भी जाइए। तो स्टेशन देखिए थोड़ा खाली खाली है, सुबह सुबह टाइम ही है इसलिए थोड़ा खाली है, और बाकी जो डेली पैसेंजर का आना जाना वो लोग तो चले गए। और बस ये हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। ये है हमारे नवी मुंबई वाशी का ब्रिज, जो कि समुंदर के ऊपर बना हुआ है, समंदर के खाड़ी बोलते हैं एक तरीके से, पूरा समंदर नहीं, उसके ऊपर एक तरफ दूसरी तरफ देखिए गाड़ी का रूट बना हुआ है और एक तरफ ट्रेन का रूट, लोकल ट्रेन का रूट बना हुआ है। तो वही मैं वाशी का ब्रिज का थोड़ा सा वीडियो ले लिया। और ये हम CST पहुंच गए हैं मुंबई, और बच्चे लोगों को भूख लग गया था तो थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पानी वगैरह खा रहा है, सुबह सुबह सब ठीक से पेट भर के खाया नहीं, घर में थोड़ा बहुत नाश्ता किया फिर निकल गए चाय पानी पी के। और अभी इधर फिर स्टेशन में ही फूड शॉप में सब खा रहे हैं। और ये हम लोग CST में उतर गए हैं और सब खाना पीना खा रहे हैं उतर के, ये देखो चाय पी रहे हैं, भूख लगा इसको तेज, घर से कुछ खा के नहीं आया है, अभी खाया ब्रेड सैंडविच और कुछ चाय पी रहा है। और हम माँ बेटा ने ब्रेड सैंडविच खा लिया है, आई बोले ना। और ये हम आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ये है एंट्री गेट, ये है जा रहे दोनों बच्चे। तो हम गेटवे ऑफ इंडिया आ गए हैं, अब अभी हम अंदर जा रहे हैं। और खारघर नवी मुंबई से मुंबई एक घंटा डिस्टेंस लोकल ट्रेन में, उसके बाद फिर आप पर्सनल ऑटो करें चाहे फिर बस भी आ जाता है, AC बस जिसका 6 रुपये टिकट लेता है गेटवे इंडिया तक छोड़ देगा, और पूरा बस AC होता है, आराम से आ सकते हैं बैठ के, और 5 मिनट से 10 मिनट ही लगता है, ज़्यादा दूर नहीं मुंबई स्टेशन से। तो बस गेटवे में आप आ गए, बहुत तेज़ धूप था, दोपहर हो गया था पूरा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और थोड़ा सा हम गेटवे में फ़ोटो वगैरह खींच लेंगे, उसके बाद फिर इधर से हम और एक जगह जाएंगे, कहाँ आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। और धूप के मारे गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही थी, फिर भी लोगों का कम नहीं है भीड़, हम लोग भी देखिए ना इतनी गर्मी में फ़ोटो कैसे खींच रहे हैं। और ये सामने है देखिए ताज होटल, नया ताज और पुराना ताज दोनों ही होटल है, तो एकदम ये गेटवे इंडिया के सामने ही है ताज होटल, तो इसका नज़ारा और फ़ोटो इतना अच्छा आता है इधर क्या बताऊँ। और ये देखिए समुंदर में सब बोटिंग चल रहा है, स्टीमर वगैरह चल रहा है, तो बोटिंग भी होता है स्टीमर भी होता है, और बोटिंग से इधर समुंदर में घूमने के लिए भी टिकट्स मिलता है, अगर कोई घूमना चाहे तो आधा घंटा घुमा देगा। और अगर इधर से एलिफेंटा केव भी जाना होता है तो हम आज एलिफेंटा केव भी चलेंगे, और पहले भी हम लोग एक बार घूम चुके हैं मैं और मेरा बेटा, पर अभी भतीजा और इनके साहिल के पापा दोनों ही हैं, तो सब साथ मिलकर ही आज एलिफेंटा केव जाएंगे, जो कि समुंदर में 1 घंटा लगता है। तो टिकट्स हमने ले लिया है, बस स्टीमर में अभी चढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा डर लगता है स्टीमर चढ़ने में, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती है ना, पानी देख के डर लगता है, पर ठीक है घूमने के लिए थोड़ा बहुत तो डर को भगाना ही होता है, क्या कर सकते हैं।
तो ये हमारा बोट आ गया है, बस इसी बोट में हम जाएंगे और एलिफेंट केव आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। समुंदर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है जो कि एलिफेंटा केव है, उसमें कुछ गुहा वगैरह है, हमने भी सुना है, गई थी एक बार पर पूरा नहीं घूम पाई थी, आधा घूम के आ गई थी। तो ये हम बोट में बैठ गए हैं और सीट हम लोगों को मिल गया, हम जल्दी जल्दी उठ गए, बाकी लोग भी सब उठ रहे हैं और अभी तक छोड़ा नहीं है स्टीमर, तो छोड़ेगा। तो हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव और मैंने वीडियो में बोला है पर इतना शोर हो रहा था कि मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा था, इसलिए आवाज़ को कट करके मुझे बैकग्राउंड वॉइस देना पड़ा। और एलिफेंटा केव के लिए लॉन्च का भाड़ा 260 रुपये करके पड़ता है, एक एक पर्सन का आना जाना टोटल, मतलब एक एक पर्सन का आना जाना में 260 रुपये आने का जाने का एक ही साथ। और बस हम जा रहे हैं उधर जाके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और सारे लोग सब लगभग उठ गए हैं, लॉन्च हमारा छोड़ दिया है, सब अपने अपने जगह में बैठ गए हैं और अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी समुंदर के बीचों बीच लॉन्च जब चल रहा था, क्या बताऊँ, जितनी गर्मी हो गई थी ना गेटवे ऑफ इंडिया में, पसीना पसीना वो सारा पसीना एकदम सब पहुँच गया ठंडी ठंडी हवा में, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी लॉन्च की हवा, इतनी ठंडी हवा कि हम हवा का मज़े लेते लेते जा रहे हैं। और एलिफेंटा केव का वीडियो आप लोगों को आज शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया है, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट इसके दूसरे दिन आ जाएगा। हाँ, ये देखिए इनका कॉमेडी हर जगह इनका कॉमेडी चालू रहता है, लोग है नहीं है ये है वो नहीं देखेंगे, इनका कॉमेडी चलता ही रहता है। चलिए अच्छा, आप लोगों को भी इनका कॉमेडी अच्छा लगता है तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत कॉमेडी भी देख लीजिए, कॉमेडी देखना भी अच्छा होता है सेहत के लिए, हंसना अच्छा होता है। और ये हम समुंदर के बीचे बीच चल रहे हैं लॉन्च और ठंडी हवा चल रही है और बस एक घंटा डिस्टेंस लगता है समुंदर में, तो एक घंटे तक बहुत ही एकदम एंजॉय किया हमने पानी में, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है पानी के बीच चलने में पर ठीक है, अब जा रहे हैं, थोड़ा हिम्मत भी ज़रूरी है। और ये एलिफेंटा केव वगैरह गुहा वगैरह कुछ है अंदर तो देखा नहीं कि पहले जब गई थी, तो इस बार जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा है क्या है ना है, बहुत ही अच्छी जगह है सुना है अंदर, और समुंदर से ही जाना पड़ता है लॉन्च में, तो बस लॉन्च में ही बैठे हैं सारे लोग बैठे हैं, मैं वीडियो बनाने में बिज़ी हूँ और फिर उधर पहुँच के आप लोगों को दिखाती हूँ कि एलिफेंट का नज़ारा कैसा है ना है। हम पहुंच गए हैं एलिफेंटा केव, समुंदर के बीचों बीच में ये छोटा सा द्वीप बना हुआ है, अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगी तो वो सेकंड पार्ट में मैं शेयर करती हूँ, आज का ब्लॉग यही पेंट कर रही हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।